हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर दून। आज हम आए हुए हैं अंगीठी बाई गौरव में, जो कि देहरादून में नेहरू कॉलोनी के पास है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी का मोमो मिलता है। आइए यहाँ के ऑनर से बात करते हैं, जानते हैं इनके पास कितने वैरायटी का मोमो है, मोमो के साथ और कौन कौन से आइटम ये सेल करते हैं, यहाँ का स्टार्टिंग प्राइस क्या है, मैक्सिमम प्राइस क्या है। खुद टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं अगर टेस्ट हमको कैसा लगा। कस्टमर रिव्यू लेते हैं और जानते हैं कस्टमर को यहाँ का टेस्ट कैसा लगा। तो ये यहाँ का मेन्यू है, क्लियरली लिखा हुआ 100% प्योर वेज। और ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर है। बाकी आप देख रहे हो यहाँ पे तंदूरी मोमो है, ये कुरकुरे मोमो है, डम्पलिंग है, फ्राइड है, स्टीम्ड है, ये सोया चाप है, उसके बाद ये टिक्का में है, ये रोल्स हो गया, उसके बाद ये चाइनीज़ में आ गया, मतलब से नूडल्स वगैरह। तो यहाँ से यहाँ तक आप जितना भी आइटम देख रहे हो सारा मोमोज ही है। तंदूरी में भी तीन टाइप का है, वेज हो गया, पनीर हो गया, चीज़ हो गया। और ये तीनों में भी तीन टाइप का है, एक अफ़गानी, अचारी, तंदूरी। लाइक अगर आप पनीर मोमो लेते हो, अगर उसमें आपको अफ़गानी पनीर मोमो चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, अचारी पनीर मोमो चाहिए वो भी मिल जाएगा, तंदूरी पनीर मोमो चाहिए वो भी मिल जाएगा। और जो प्राइस है वो हाफ़ का ओनली 50, 60, 80 है, और जो फुल का है 100, 120, 150। तो बाकी आप प्राइस देख सकते हो। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर हमारा मोमोज आ चुका है, तंदूरी पनीर मोमो से हम ट्राई करते हैं। क्या आप देख रहे हो काफ़ी अच्छे से तंदूर किया गया है, जो कलर है, जो टेक्सचर है काफ़ी अच्छा दिख रहा है। साथ में ये कैबेज है और यहाँ पे कुछ प्याज दिया गया है, और दो टाइप की चटनी है, एक ग्रीन चटनी है और एक ये मोमोज वाली चटनी है। तो हम मोमोज वाली चटनी साथ ट्राई करते हैं। स्पून नहीं यूज़ कर रहे हैं, हाथ से ही खा रहे हैं। उसके अंदर जो पनीर का जो स्टफिंग किया गया है उसकी क्वांटिटी काफ़ी अच्छी है, और जो अंदर जो फ्लेवर आ रहा वो काफ़ी अच्छा रहा। और बाहर से जो तंदूर किया गया, जैसे कि आप देख रहे हो, काफ़ी अच्छा फ्लेवर दे रहा है। यहाँ पे हम चीज़ डम्पलिंग मोमो ट्राई कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हो पूरा क्रीम चारों तरफ इसमें लगा हुआ है। इसके साथ भी सेम प्याज दिया गया है सिरके में डाल करके। ये मोमो की चटनी है और ये ग्रीन चटनी है। तो इसको हम टेस्ट करके आपको बताते हैं कैसा लग रहा है हमको। इसका जो टेस्ट है ये थोड़ा सा क्रिस्पी है अंदर से, और बाकी जो स्टफिंग की गई है चीज़ की, और चीज़ के साथ एक दो आइटम और भी मिक्स किया गया है, तो इसका जो टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा आ रहा। अगर आप आते हो तो इन सब चीज़ों को यहाँ पे ट्राई करो। और साथ में दो टाइप की चटनी है, और जो प्राइस है काफ़ी जेन्युइन है। और ये आप देख रहे हो, ये मेरा है चीज़ कुरकुरे मोमो। इसके साथ आप देख रहे हो मेयोनीज दिया गया है, मोमो की चटनी है और ग्रीन चटनी, साथ में इसके भी प्याज दिया गया। तो इसको हम ट्राई करते हैं मेयोनीज के साथ और बताते हैं आपको इसका टेस्ट कैसा लगा हमको। जैसा कि आप देख रहे हो अंदर जो चीज़ है काफ़ी अच्छे से स्टफिंग की गई है। ओवरऑल जो इसका टेस्ट है वो अच्छा है। अगर आप मेरे से पूछते हो इन दोनों में हमको सबसे अच्छा क्या लगा, हमको तंदूरी पनीर मोमो ज़्यादा बेटर लगा। आप आओ यहाँ पे ट्राई करो और बताओ आपको यहाँ पे कौन सा मोमो सबसे अच्छा लगा। सर आप क्या ऑर्डर किए हैं? ये पनीर नूडल्स होंगे ना सर। आपको सर टेस्ट कैसा लगा? टेस्ट काफ़ी सही है, मुझे बाकी जगह से तो सही लगा है काफ़ी ना। सर आप लोगों को? मुझे काफ़ी क्रिस्पी लग रहा है और मसाला कम है, अच्छा है। सर मुझे काफ़ी अलग टेस्ट लगा, बहुत सुना था इस दुकान के बारे में, इसलिए बहुत अच्छा टेस्ट है। और सर इसके प्राइस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो प्राइस है वो कैसा है, ज़्यादा या कम है? अफोर्डेबल है, मतलब कि काफ़ी लोग स्टूडेंट तो अफोर्ड कर ही पाएंगे इसको ना, मतलब पॉकेट फ्रेंडली। हाँ पॉकेट फ्रेंडली है, वर्थ द मनी का तब आपको। अच्छा सर अगर इसको 1 to 10 में रेट करना हो तो आप कितना पॉइंट देंगे? मैं 8 दूंगा इनको। सर आप? 8.5। सर मैं 9। ओके, यहाँ का टेस्ट कैसा लगा? बहुत अच्छा है, हम तो स्पेशली प्रेमनगर से इधर आ रखे हैं। और सर आपको? सर बहुत बढ़िया लगा, और आज का दिन तो हमने इसी के लिए निकाला था कि यहाँ पर आएंगे और अफगानी मोमो यहाँ के ट्राई करेंगे, क्योंकि बहुत सुना है हमने अंगीठी के बारे में और काफ़ी फेमस है और काफ़ी अच्छा है सर टेस्ट के मामले में। सर अगर इसको रेट करना 1 to 10 में तो आप कितना पॉइंट देंगे? 11/10। सर आप? 10/10। सर जैसा कि आप देखें अभी हम अंगीठी में थे और यहाँ का मोमो है वो काफ़ी फेमस है, तो अगर आप देहरादून आते हो तो इस प्लेस पर ज़रूर विजिट करो। इसका मोमो वाकई बहुत अच्छा है, तो आप इंस्टा पर उनको फॉलो करो। उसके बाद अगर किसी पार्टिकुलर टॉपिक पे या फिर किसी अच्छे रेस्टोरेंट पे आप वीडियो बनवाना चाहते हो तो आप कमेंट करके बताओ, उस टॉपिक में वीडियो बनाएंगे।
और अगर आपको कहीं के बारे में भी कुछ भी पूछना हो मेरे से मेरे वीडियो से रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हो या फिर हमको इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।